हेलो, माय जिंजर्स एंड चिलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री का बच्चन। टुडे आई एम टेकिंग द फाउंडेशन लेक्चर फॉर न्यू 11th, दैट इज 2020। जिन लोगों का, बहुत लोगों का 10th का, आईसीएसई के वालों का एग्जाम्स भी नहीं हुए, सो आई एम टेकिंग ऑफ दैट बैच। फाउंडेशन लेक्चर ऑलरेडी स्टार्टेड इन माई क्लासेस, ऑफकोर्स ऑनलाइन, राइट? जिनका मिस हुआ या जिनको मेनली समझ में नहीं आ रहा है, सो हियर इट इज गोइंग टू हेल्प एज अ बैकअप लेक्चर, क्योंकि ऑनलाइन में कभी कभी आपका कनेक्शन लूज हो जाता है या निकल जाता है, सो फॉर देम आई एम मेकिंग एंड इट विल हेल्प अदर्स ऑल्सो। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन लेक्चर, सो एवरीवन हैज टू नो फ्रॉम दिस लेक्चर्स, दोज हु डू नॉट हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स केमिस्ट्री और हेट, इट्स माई प्रॉमिस आफ्टर माई 4 or 5 लेक्चर्स यू विल स्टार्ट लविंग chemistry. Everything is just few calculations, few learning, and after that you are going to be master in chemistry. So let's talk about the first important part of chemistry. Without that you are not going to solve or you are not going to crack any type of MCQs, right? And that is your periodic table. So ye aapka sabse pehla foundation lecture hai. Ab periodic table jyadatar logon ko malum hai. How many periods are there? 7. How many groups are there? 18. ज्यादातर लोगों को 10th में 1 to 20 elements learn कराते हैं, but over here we are going to see total number of elements, that is 36 first, and of course कुछ groups भी मैं आपको learn करने को बोलूंगा। तो जिनको मेरा trick lecture अगर आप देखोगे पहला वाला, chemistry के बच्चन को subscribe करो और first आप video देखो, try करूंगा मैं इसका link भी दूं, तो वहां से आपको मेरा पूरा पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगा। रिपीट करता हूं, ग्रुप 1 लीना के आरबीसीज फरार, ग्रुप 2 बेटी मैगी का सिर 12, ग्रुप 13 बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ग्रुप 14 केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम्स, ग्रुप 15 नाना पाटेकर अग्नि साक्षी से बना बिलियनर, ग्रुप 16 ओ सचिन से टीपो, ग्रुप 17 फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट, ग्रुप 18 हीना नीना अरीना करीना जेरोक्स रंगीन, राइट? So, when I am talking about it, what does it mean? दूसरे वीडियो में जाके देखो, आपको उसका कनेक्शन दिखेगा, ठीक है? अब वंस यू नो योर एलिमेंट्स, व्हाट आई एम टीचिंग यू न्यू विच यू डोंट नो, राइट? अप टू 10th क्लास, आवर 11th, फ्रॉम 11th क्लास वी आर गोइंग टू डिवाइड द पीरियोडिक टेबल इन टू 4 डिफरेंट ब्लॉक्स, ओके? तो याद रखो, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड योर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 13 से लेके 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 3 टू 12 को बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे सबको मालूम है द टू सीरीज आर देयर, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, that is called F block series. So, periodic table is divided into 4 blocks on the basis of course, the electronic configuration, right? Which I am going to explain you after this by Ofbos principle. But सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, total आपका periodic table 4 parts में divide होता है, S block, S for sharp, P block, P for principle, D block, D for diffused, and F means mainly the fundamental, right? So total आपके 4 blocks हैं, चारों के चारों blocks आपको मालूम होने चाहिए, group 1 and 2 है S block, group 3 to 12 D block, group 13 to 18 P block, and जो नीचे located है lanthanoid and actinoid series, that is called F block. So total 4 groups हैं, and we all have to know all the groups जो उनके अंडर में आते हैं। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया सबको, क्यों बोलते हैं एसपीडीएफ वो भी बताऊंगा, राइट? नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियोडिक टेबल, तो आपको 1 to 36 एलिमेंट्स याद रहने चाहिए, याद रखना, और ये भी याद रखना डी ब्लॉक का दूसरा नाम है ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स एंड दे आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है? ये आपके नॉर्मल एलिमेंट्स है, ये भी आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, दिस इज योर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स
and of course zero group is present on the extreme right hand side of the modern periodic table. So pehla part I hope sabko clear ho gaya, right? So please copy it down. Now we come to the very important principle which is called Ofbos principle. Ofbos ka matlab hota hai building up. Now this is the principle which no one has heard of. Pehli baar aap kar rahe ho, 11th mein aa rahe ho, 10th tak kisi ne nahi padha. Now this is the principle which is going to help you in finding out how to write the electronic configuration in the form of shell, subshell and orbital form. अब ये क्या होता है? First let me explain you. All of you have heard of shell. Shell is what? Shell is mainly the imaginary path in which electrons are revolving around the nucleus. Shells का दूसरा नाम लिख सकते हो orbits और तीसरा नाम लिख सकते हो energy levels, because every shell has different energy. ठीक है? Shell के बाद आता है subshell. हम लोग सोचते थे अप टू 10th क्लास के शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या एल में घूम रहा है या एम में घूम रहा है. दिस इज ऑल इमेजिनरी. अब वो के शेल में घूम किधर रहा है? इतना बड़ा है. सो इट इज इन द शेल का पार्ट होता है सब शेल, विच इज फोर टाइप्स, एस पी डी एफ. ठीक है? देन सब शेल इज डिवाइडेड इन टू ऑर्बिटल. सब शेल के ऑरियंटेशन होते हैं, कुछ डायरेक्शंस होते हैं, जो डेप्थ में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, बट बेसिक्स मालूम होना चाहिए. एंड दे आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एंड दैट पार्ट ऑफ द शेल इज कॉल्ड ऑर्बिटल. तो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं. अगर आपको कोई बोलेगा कि भाई मुझे आपके घर आना है, तो आप अपना शेल बता के छोड़ दोगे? बोलोगे मैं मुलुंड में रहता हूं. आ जाओ, दैट इज योर शेल. बट मुलुंड में किधर? मुलुंड में इफ यू से आई एम स्टेइंग एट जवेर रोड, देन यू आर गिविंग सब शेल. और अगर आप बोलोगे कोणार्क दर्शन, मुलुंड, जवेर रोड, कोणार्क दर्शन, दैट मीन्स यू आर गिविंग शेल ऑल्सो, यू आर गिविंग सब शेल ऑल्सो एंड यू आर गिविंग कोणार्क दर्शन ऑल्सो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इज ईजी फॉर मी. सेम थिंग इज ओवर हियर. सो दैट इज वॉट वी कॉल इट, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल इन अ सिंपल लैंग्वेज. बाद में डेप्थ में भी आएगा, पहले बेसिक समझ लो. ठीक है? तो अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? कैल्शियम आया तो कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20, तो कैसे लिखते थे? 2, 8, 2. सोडियम कैसे लिखते थे? 11, 2, 8, 1. क्लोरीन कैसे लिखते थे? 2, 8, 7. बराबर है? बट 11th क्लास से आपको एक नए वे से लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल मैनर. तो पहले ऑफबॉस प्रिंसिपल आपको याद करना है. इट मींस बिल्डिंग अप. जिसके पास सबसे कम एनर्जी होती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पहले जाते हैं, और जैसे जैसे आपके फॉर्मूले में जो जो आपका बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स विल गो लेटर इनटू इट. नाउ व्हाट डज इट मीन? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं या पहले ऑफबॉस प्रिंसिपल देख लेते हैं. देखिए, सबसे पहले आता है 1s, उसके बाद आता है आपका, याद करते समय ऐसे ही याद करो, 2s, 2p, फिर आता है 3s, 3p, फिर आता है 4s, 3d, 4p, जैसा बोल रहा हूं वैसे ही लर्न करना है, 5s, 4d, 5p, 6s इज लेसर देन 4f, इज लेसर देन 5d, इज लेसर देन 6p, एंड फाइनली 7s इज लेसर देन 5f, is lesser than 6d, is lesser than 7p. Oh, बहुत टफ है, थोड़ा भी नहीं. सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका फॉर्मूला आपको पूरे दिन में, जब भी आप वीडियो देखोगे उसके बाद विद इन 2-3 आवर्स इसको रिवाइज करो, और आजू बाजू घर पे जो भी है उसको बोर करो लॉकडाउन में ये बोल के. अब इसका वे कैसे है लर्न करने का देख लो. जब आप लर्न कर रहे हो तब याद रखो कि आपका जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा है वो आपका शेल नंबर है. तो टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 7. 1 stands for shell number 1, 5 stands for shell number 5, 7 stands for shell number 7.
ठीक है, तो पहला पार्ट ये, उसके बाद एसपीडीएफ लिखा हुआ है, एसपीडीएफ यू कैन कॉल इट एज सबशेल और ऑर्बिटल, सबशेल और सबशेल किस में डिवाइड होता है बाद में, ऑर्बिटल में, ठीक है। तो याद रखो यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, एस इज हैविंग वन ओरिएंटेशन, पी इज हैविंग थ्री ओरिएंटेशंस, डी इज हैविंग फाइव ओरिएंटेशंस एंड एफ इज हैविंग सेवन ओरिएंटेशन। मतलब एस सबशेल हैज वन ओरिएंटेशन, उसको एस ही बोलते हैं, पी हैज थ्री ओरिएंटेशंस, उसका नाम याद रखना है px, py, pz। एक डब्बा मतलब एक ऑर्बिटल, एक डब्बा मतलब एक ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट, इन विच ओरिएंटेशन द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग प्रेजेंट, इन विच एक्सेस द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग प्रेजेंट। सो px में है, py में है, pz में, अगर p के अंदर है तो d में, पांच पार्ट्स में डिवाइड करो, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square। रिपीट कर रहा हूं अगर दिखेगा नहीं तो, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square, dz square। F के नाम नहीं है, but they are just divided into seven orientations. Now what does it mean? It means that shell is divided into four subshells, SPDF, and S is further divided into one orientation, मतलब one orbital. P is divided into three orientations, three orbital. D is divided into five orientations, five orbital. And F is divided into seven orientations, so seven orbital. What is orbital? Where the probability of finding the electrons maximum. अब एक statement अपनी notebook में लिख लो. An orbital cannot accommodate more than two electrons. एक डब्बा दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकता है, याद रखना। तो एस के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, दूसरे को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, पैरेलल एंटी पैरेलल। तो पी में टोटल तीन डब्बे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, छह। डी में टोटल पांच डब्बे हैं, तो पांच ऑर्बिटल हुए, एक ऑर्बिटल में मैंने बोला कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो, तो मैक्सिमम कितने आएंगे, दो 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 दो, दस, एक डब्बे में दो ही आ सकते हैं। और यहां पे आपको सबको समझ में आ गया कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चौदह। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दैट एस ऑर्बिटल हैज वन ओरिएंटेशन, सो वो दो इलेक्ट्रॉन्स एक डब्बे में अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। सबको मालूम है 118 एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विदाउट इलेक्ट्रॉन्स तो यू कैन नॉट राइट। जब मैं कैल्शियम बोलता हूं तो क्या लिखते हो, 2.8.8.2। तो सेम थिंग ओवर हियर, कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं तो आप किस में फिल अप करने वाले हो, 11th में आ रहे हो भाई, शेल में नहीं, सब शेल में नहीं, ऑर्बिटल में। Is it clear? Because there the probability of finding an electron is maximum. तो S में दो, P में of course तीन orbital है, तो दो चार छह, D में पांच orbital है, पांच orientations है, तो दस and चौदह, ठीक है। इसका मतलब अगर आपको याद है S में एक है तो दो add कर दो, P में तीन, दो add कर दो, D में पांच, और दो add कर दो, F में सात, multiply है, कितने electrons आ सकते हैं, टू कर दे, ठीक है। अब जहां जहां पे भी S लिखा है वो सब जगह पे टू कर देते, बिकॉज एस कैन एकोमोडेट मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट नो आई हैव टोल्ड, टू। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, सिक्स, तो जहां पे भी पी लिखा है वहां सिक्स कर देते हैं भाई। डी में कितने बोले, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, दस, तो दस लिख दो। और F में कितने आ सकते हैं, 14। अब आपको ये पूरा का पूरा ऑब्बॉस प्रिंसिपल इसी वे से याद करना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 and so on। अब 1 means, 2 means, 5 means, 7 means, जो नंबर आगे लिखा है दैट इज शेल नंबर। व्हाट इज SPDF?
subshell number. What do you mean by 2, 6, 10, 14? That is electrons in. Electrons which are being present in the orbital. ठीक है, ये पार्ट समझ में आया? अब आपका काम है इसको लर्न करना. अगर आप ये नंबर्स को काउंट करोगे जो ऊपर लिखे हैं, 2 प्लस 6 8 प्लस 2 10 12 18, तो टोटल आएगा 118. काउंट करके देख लेना घर पे. इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 118. इसलिए 118 टोटल आ रहा है. पहले पीरियड में दो ही एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए 1s2 के बाद खत्म हो गया. सेकंड में 8 होते हैं तो 2 प्लस 6 8. थर्ड में भी 8 होते हैं तो 2 प्लस 6 8. ये काउंट करोगे तो 18, ये काउंट करोगे तो 18, ये काउंट करोगे तो 32, ये काउंट करोगे तो 32. एंड दैट इज व्हाई द वेरी वेरी इजी वे टू लर्न इट. जब आप लर्न कर रहे हो, पहला पीरियड लर्न करो 1s2 हाइड्रोजन हीलियम, दूसरा पीरियड याद करो एलिमेंट्स के साथ, और फिर बोलो 2s2 2p6, 3s2 3p6 इज थर्ड पीरियड, तो सेकंड और थर्ड सेम है. फिर फोर्थ और फिफ्थ एक जैसा है, ध्यान से देखो, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6. बीच में 4 क्यों आया वो बात, अब बीच में 3d क्यों आया, 4d क्यों आया, 5d क्यों आया, वो बाद में बताऊंगा, बट यू हैव टू नो दिस वेरी वेल. ठीक है, एक बार आपको याद हो गया तो आपको यह भी मालूम पड़ गया किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं. इससे आपको यह भी मालूम पड़ता है एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं. काउंट करके देखोगे तो 14 आएंगे. एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में. पी ब्लॉक में कितने आएंगे? 36 एलिमेंट्स, 6 × 6, क्योंकि 1p6 नहीं है. डी ब्लॉक में काउंट करो कितने हैं? 10, 20, 30, 40. 40 एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक में. और एफ ब्लॉक में कितने हैं? लेंथेनॉइड सीरीज में 14 और एक्टिनॉइड सीरीज में 14. 14 और 14 कितने हो गए? 28. अगर आपको 50-75% की रेंज में समझ में आ रहा है तो यू आर ऑन राइट ट्रैक. नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सेकेंड थर्ड लेक्चर में और ज्यादा क्लियर होएगा. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप ऑफ बॉस प्रिंसिपल लर्न कर लो. ये आप लर्न कर लो, एक बार आपने लर्न कर लिया फिर सोचो ये पीरियोडिक टेबल से कैसे रिलेटेड है. अपने आप आपको मैजिक समझ में आएगा इसका. ठीक है, अब हम इस ऑफ बॉस प्रिंसिपल को यूज करेंगे इन राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 10 डिफरेंट एलिमेंट्स. ठीक है, तो 10 डिफरेंट एलिमेंट्स मैं आपको दे रहा हूं, वो आप ध्यान से देखो. अभी आपके सामने आ चुका है, अपनी नोटबुक में लिख लो. एंड देन वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नॉट लाइक 10 बट लाइक 11. सो पहला लेते हैं 1 हाइड्रोजन, इजी. दूसरा लेते हैं हम लोग 6 कार्बन. तीसरा लेते हैं 9 फ्लोरीन. चौथा लेते हैं 17 क्लोरीन. और पांचवा लेते हैं 20 कैल्शियम. ठीक है, इनका ईसी लिखना है. इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? तो स्टार्ट करो ऑफ बॉस प्रिंसिपल 1s2. 1s2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट अपने को तो एक ही चाहिए. इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक की है. सो आंसर हो गया 1s1. खत्म. फर्स्ट शेल में, एस सबशेल में, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? एक ही है. अब कार्बन के देखो, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टॉप हो जाओगे, 1s2, 2s2 ऑर्डर विल रिमेन सेम. अब 2p मैंने लिखाया था 6, अरे 6 तो मैक्सिमम हो सकते हैं, बट आपके पास तो 4 तो ऑलरेडी यूज हो गए, बचे कितने? 2. तो व्हाट यू विल राइट? 2p2. ओवर. 2p6 क्यों नहीं? अरे इसकी कैपेसिटी 6 रोटी की है, 6 खाली भाई मिल गई, अभी और नहीं खिलानी है उसको. इज इट क्लियर? 9. अब आपको 9 पे स्टॉप हो रहा है. पहले लिखो 1s2, 2s2, 2p6 होता है, लेकिन अगर 6 लिखोगे तो वो नियॉन हो जाएगा. अपने को नियॉन नहीं चाहिए, फ्लोरीन चाहिए. काउंटिंग ऊपर से होती है. दिस आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9. ठीक है, अब क्लोरीन देखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, उसी फैमिली का है तो 5. खत्म. काउंट करके देख सकते हो 17 टोटल आ रहा है. कैल्शियम देखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. काउंट करो, 20 आएगा टोटल. दिस इज हाउ यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 11th एंड 12th क्लास. अगर ऑफ बॉस प्रिंसिपल नहीं आता है तो केमिस्ट्री का कोई चैप्टर नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई सेड फाउंडेशन लेक्चर. जब तक आपको ऑफ बॉस प्रिंसिपल नहीं आएगा, कुछ नहीं समझेगा कोई भी चैप्टर से. केमिस्ट्री का कोई भी टीचर पढ़ा ले,
ये आपके खून में पहले होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू। ठीक है, पांच और एग्जांपल्स लेते हैं, आप थोड़े बड़े एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ में। अभी 1 to 20 लेते हैं, आप 21 के ऊपर लेंगे। लेट्स टेक 30 जिंक, 50 टिन, 78 प्लैटिनम, 25 मैंगनीज, 48 कैडमियम। ठीक है, 1 to 36 आपको याद रखना है, वो आगे के याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं। अब आपको जिंक लिखना है 30, ऑब्बॉस प्रिंसिपल अपने सामने रखो और जब तक 30 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते लिखते जाओ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। स्टॉप, वाई 30 हो गया, आगे नहीं लिखोगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके यूज हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज डन। अब 50 पे जाते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, कितना हो गया 36, 5s2 30 8 4d10 48 5p2 50 हो गया। काउंट कर लो एक बार, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 38 40 50। यस, 5p2 पे स्टॉप हो गए। यस, दैट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिन। प्लैटिनम देखते हैं, अपने आप लिख लो और फिर देखो मैंने क्या लिखा है स्टॉप करके। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4d10 56 plus 10 66 54 plus 2 56 plus 10 66 72 आई थिंक 6p6 खत्म हुआ, नहीं यहां पे ज्यादा हो जाएगा 80। 6s2 के बाद हमने गलत लिख दिया, क्या होएगा भाई बीच में, क्या भूल गए, 4f 14। कोई बात नहीं, याद हो जाता है। तो यहां तक हो गया आपका 54 54 54 56 60 70। 5d8 पे स्टॉप हो जाओ, 5d10 क्यों नहीं, अरे 78 खत्म हो गया, नो नीड टू राइट दैट मच, आई होप एवरीवन इज गेटिंग इट। अब आते हैं मैंगनीज पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया, अपने को चाहिए 5 और, 3d10 नहीं 3d5 बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए। तो वो फॉर्मूले में भले पूरा लिखा हुआ है, आपको इलेक्ट्रॉन 10 से कम भर सकते हो डी में, ऑफ कोर्स भर सकते हो। आई हैव रिटर्न दैट एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड डी सबशेल कैन अकोमोडेट 10 मैक्सिमम, मिनिमम नहीं बोला, मिनिमम तो एक भी हो सकता है, दो भी तीन भी है, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है वो देखने की। अब 48 कैडमियम देखो व्हिच इज प्रेजेंट इन योर मोबाइल बैटरी, 1s2 कैडमियम, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 कितना हो गया 38 4d10 खलास। एंड दैट इज ऑब्बॉस प्रिंसिपल फर्स्ट एप्लीकेशन। अभी तो मैंने एक ही पार्ट बताया, बहुत सारी चीजें बताएंगे बट नॉट टुडे। इतना डाइजेस्ट करो, इतने को समझो, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस तो सेकेंड पार्ट आपको और भी इजी लगेगा। सो दिस इज कॉल्ड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कॉल्ड ऑब्बॉस प्रिंसिपल। आपको इसको आपके ब्लड के अंदर डाल देना है एंड यू डोंट हैव टू फ्लश इट आउट। इज इट क्लियर? कहीं ना कहीं इसको आपको 2 साल तक संभाल के रखना है, शायद आगे भी अगर मेडिसिन लोगे तो, ठीक है, बट संभाल के रखो। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड ऑब्बॉस प्रिंसिपल से इसी और नेक्स्ट लेक्चर में और आगे देखेंगे। ठीक है, तो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।
फाउंडेशन लेक्चर 2 पे मिलेंगे। चलो।